हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं इन्वायरमेंटल स्टडी के, और ये सभी क्वेश्चंस टेट परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है और सभी क्वेश्चनों को आपको स्वयं से भी अटैम्प्ट करना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए सो दैट आपका कोई भी सिंगल वीडियो मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक बेल आइकन बन के आएगा, उसको भी फ्रेंड्स आपको प्रेस करना है सो दैट फ्रेंड्स आपकी सभी वीडियो की कंटिन्यूटी बनी रहे और आपका कोई भी सिंगल वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन है, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें फोर ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरा करेंगी, तो फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है। दूसरा है, जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं, तो फ्रेंड्स जिज्ञासु के साथ में बाकी बच्चे भी राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, तो ये भी सही नहीं कहा जा सकता है। सी ऑप्शन है, विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है, यस बिल्कुल मान लेते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, वह अपना समय बिताना चाहता है, तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल टोटली निगेटिव है। तो यहां पर इसका क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फ्रेंड्स रियलिस्टिक जो लाइफ होती है उसमें जो एक्सपीरियंस गेन किए जाते हैं विद्यार्थियों के द्वारा, वे एक्सपीरियंस उनके ज्ञान रचना में बहुत ही ज्यादा वृद्धि करते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है, तो कच्चे तेल का उपयोग किस किस में किया जाता है? यहां पर पहला दिया है डामर बनाने में, दूसरा प्लास्टिक बनाने में, तीसरा पेंट बनाने में, चौथा औषधियों को बनाने में, और लास्ट का है ड्राई क्लीनिंग में। सो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कच्चे तेल का जो उपयोग किया जाता है आपका डामर में भी, प्लास्टिक में भी, पेंट में भी, औषधि में भी और ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी जो ऑप्शंस हैं वे बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है, तो इंद्रधनुष में रंगों का क्या क्रम होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बेसिक क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एक ट्रिक बताई जाती है विबग्योर की, VIBGYOR, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, यानी कि आपका वॉयलेट आएगा, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो ये होगा हमारा क्रम, यानी कि आपका देखेंगे लास्ट का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है, यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है, इस पुस्तक के रचयिता है, तो इस पुस्तक के कौन रचयिता है? तो फ्रेंड्स यहां पर फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप भी जल्दी से जल्दी कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर देते रहिए सो दैट फ्रेंड्स आपका भी एक प्रकार से सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी का जायजा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंची है। तो इसमें फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच जो नामक पुस्तक है इसके रचयिता हैं चार्ल्स डार्विन, वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, और उन्होंने 1859 में क्या किया था, ये पुस्तक लिखी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है, मेंढक, मछली, टारपीडो या फिर ध्रुवीय भालू? सो फ्रेंड्स टैडपोल जो होता है वो मेंढक के जीवन की स्टार्टिंग की स्टेज होती है, और 1958 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मेंढक के टैडपोल का प्रथम सफल क्लोन तैयार किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है, आम, इमली, नारियल या फिर नीम? सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जैसा कि आप नीम को देख रहे हैं, नीम के वृक्ष से खाद्य फल नहीं होता है, यानी कि खाने के लिए यूज नहीं होता है इसका फल। तो यहाँ पर आप, लेकिन बेसिकली हम बोल सकते हैं
बट नीम की निबोली भी खाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो यदि तुलना करें तो आम, इमली और नारियल, ये सभी क्या हैं, ये सभी यानी कि वृक्ष के खाद्य फल हैं, एक तरह से हम उनको खाद्य फल की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन नीम के जो फल होता है यानी कि नीम का जो निबोलियाँ होती है उसको यूज करते हैं, लेकिन उसको खाद्य फल की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो डिफरेंट होगा ऑप्शन, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शहर में स्वायत्त शासी निकाय के रूप में नगर निगम नहीं है? तो कौन सा ऐसा शहर है जिसमें स्वायत्त शासी यानी कि आपका जो निजी जो होता है वो नगर निगम नहीं है? तो इसमें हिसार, सोनीपत, अंबाला या पंचकुला। सो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत, इसमें क्या है, स्वायत्त शासी निकाय के रूप में नगर निगम नहीं है। और प्रेजेंट कंडीशन में सोनीपत जो है वो हरियाणा का 10वें नंबर का नगर निगम अभी बनाया गया है, यानी कि प्रेजेंट में बनाया गया है। तो यहां पर राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है, यानी कि स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या फिर रेबीज। सो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा स्कर्वी, रिकेट्स व जो रतौंधी रोग हैं वो आपके विटामिन सी से, विटामिन डी से और विटामिन ए से क्रम से संबंधित हैं। जबकि फ्रेंड्स, जो हमारा रेबीज है वो कुत्ते के काटने से होता है, यानी कि ये बिल्कुल टोटली क्या हुआ आपका, डिफरेंट हुआ। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ के साथ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? मरुद्भिद क्षेत्र में, लवणोद्भिद, दलदल में, गर्म व आर्द्र क्षेत्र में या फिर शीत क्षेत्र में? सो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंग्रोव वन है वो अधिकतर क्या होते हैं, वो लवण युक्त दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस तो एक टीचर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को मैंग्रोव पादप की जो खोज है उसकी खोजबीन करने के लिए आपको उन्हें दलदल वाले क्षेत्रों के पास में भेजना चाहिए, सो दैट वहां पर वे उन सभी को देख सकें, उन सभी पादपों को देख सकें। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लवणोद्भिद दलदल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर यानी कि जल का जो लेवल है उसमें क्या अंतर पड़ेगा, यानी कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा या एक समान रहेगा या इनमें से कुछ नहीं होगा? सो फ्रेंड्स, यहां पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम पानी में नमक घोलने के बाद में देखते हैं तो उसका जो घनत्व है वो फ्रेंड्स क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन पानी के जो आयतन होता है वो ज्यों का त्यों ही रहता है। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि पानी की अपेक्षा जो नमक की जो मात्रा है, नमक की जो क्वांटिटी है, वो एक तरह से नगण्य के बराबर होती है। तो इसलिए जल स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? तो एक होता है फ्रेंड्स क्षय और एक होता है अक्षय। तो इनमें दोनों में मैं आपको अंतर बताना चाहूँगा कि जो अक्षय स्रोत होते हैं यानी कि ऊर्जा के, एनर्जी के जो रिसोर्स होते हैं, वे एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे कि हम डेली अपने जीवन में देखते हैं सूर्य की किरणें डेली पृथ्वी पर पहुंचती है और हम उसको रीयूज़ करते रहते हैं, और वायु है, जल है, तो ये सभी क्या है, ये अक्षय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उनके एग्जाम्पल हैं, उनके उदाहरण हैं, क्योंकि इन्हें हम पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप यदि पेट्रोलियम को देखेंगे, पेट्रोलियम एक प्रकार प्रयोग
होने के बाद में पुनः प्रयोग में नहीं आता है, अतः ये छह ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है। तो अभी फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको छह और अक्षय का डिफरेंस पता लग गया होगा। सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो फ्रेंड्स हमें पता है कि एक मिनट में हमारा जो हार्ट है वो धड़कता है कितनी बार, 72 बार। और फ्रेंड्स एक दिन में कितने होते हैं, 24 आवर्स। तो 24 में कितना होगा, 24 इंटू मिनट्स इसकी चेंज कर लीजिए और इंटू 72। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा आएगा फ्रेंड्स, यानी मिनट नहीं यहाँ पर सेकंड आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका फ्रेंड्स कितना, 103680, यानी कि कितनी बार धड़केगा, करीबन आप देखेंगे यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो करीबन 100,000 बार मतलब धड़केगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो क्वांटिटी है जो हमने कैलकुलेट की है वो फ्रेंड्स आप देखेंगे। सो फ्रेंड्स आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 100,000। तो क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हमारी जो काउंटिंग है, जो कैलकुलेशन है, ये नियर बाय किसके है, 100,000 के है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 100,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद से तात्पर्य है, यानी कि जो हमारी हरी खाद होती है उसका उससे क्या मतलब है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला ऑप्शन है फसलों में कृमिनाशक डालना, दूसरा लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, तीसरा है मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, और लास्ट का ऑप्शन है फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड डालना। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, क्योंकि फ्रेंड्स जो लेग्यूमिनस जो पौधे होते हैं उनकी पौधे होते हैं वो हरी खाद के मुख्य स्रोत होते हैं, यानी कि उन्हें स्पेशली हम हरी खाद के लिए ही हम उनको यूज करते हैं। और फ्रेंड्स इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए क्या करते हैं कि पौधों की जो खड़ी फसल होती है उसे काट कर हम खेत को क्या करते हैं, जोत देते हैं और उन्हें दबा देते हैं। तो इस तरह से यानी कि जो फसलें होती हैं वो दब जाती है, और इससे क्या होता है खेतों की जो उर्वरकता की जो क्षमता होती है और उर्वरकता प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है। तो ये होता है लेग्यूमिनस पौधों के द्वारा। तो ये हमें याद रखना है, जहाँ भी हरी खाद का नाम आता है तो आपका लेग्यूमिनस पौधे याद आना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्लोन है, यानी कि क्लोन क्या है? सो फ्रेंड्स इसमें दिया है पहला ऑप्शन एकल जनक से प्राप्त पौधे, बी में दिया है कायिक रूप से उत्पादित पौधे, सी में दिया है आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान, और लास्ट का ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्लोन है वो कोशिका का एक प्रकार से प्रतिरूप तैयार करना होता है, यानी कि किसी कोशिका का सेम ऐसी रूप तैयार करने को हम क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं या क्लोनिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आनुवंशिक तथा उसके जो व्यवहारिक गुण होते हैं वो समान होते हैं, और इस प्रकार से किसी भी कोशिका को तैयार करने के लिए विपरीत लिंगी का अवस्थित होना बहुत अनिवार्य नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊपर के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी क्या हैं, सही हैं। यानी कि एकल जनक से प्राप्त पौधे, कायिक रूप से उत्पादित पौधे, आनुवंशिक रूप से जनक पौधों के समान, ये सभी जो क्वालिटी है ये सभी क्लोन की है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। सो फ्रेंड्स इसमें पहला ऑप्शन दिया है कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, दूसरा है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तीसरा है रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और लास्ट का ऑप्शन है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन की मात्रा तो बढ़ नहीं सकती है, तो ये तो फ्रेंड्स गलत हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अभी आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ये इसका बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स, इसके विषय में मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि फ्रेंड्स जब भी कोयले की जो अंगीठी होती है, यानी कि कोयले की अंगीठी यदि हम
मतलब किसी बंद कमरे में जलाते हैं तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, ये कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO को उत्सर्जित करती है। और इससे क्या होता है, इससे होगा क्या होगा, हमारे शरीर में जो CO की मात्रा है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इससे शरीर में रक्त में भी हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन की मात्रा को कट ऑफ करेगा यानी कि उसकी कमी कर देगा, और इससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह से हमें याद रखना है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर आप सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूह में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं, दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से हाथ पकड़े हुए हैं, और तीसरे समूह के सदस्य जो हैं एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं। तो शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया है कि विज्ञान का एक शिक्षक, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है एकता में शक्ति का पाठ, तो विज्ञान में एकता में शक्ति का पाठ का कोई लॉजिक नहीं बनता है। दूसरा है सामाजिक सद्भाव, तीसरा है सामुद्रिक जीवों की विविधता, और लास्ट का है ठोस, द्रव और गैस। तो फ्रेंड्स यदि हम लॉजिकली जाएं तो सबसे पहले जो कंडीशन दी है वो एक तरह से क्या है, कसकर आलिंगन कर रहे हैं यानी कि एक दूसरे से जुड़े हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ठोस का उदाहरण हो सकता है, दूसरे सदस्य एक दूसरे से हाथ पकड़े हुए हैं यानी कि उनके जो अणु हैं उनके बीच की थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ गई है, यानी कि इस तरह से हम एक परसेप्शन लगा सकते हैं। तो ये द्रव का उदाहरण होगा, और जो दूर दूर खड़े हैं मतलब जैसा कि गैस के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो ये इस तरह से ये गैस का उदाहरण होगा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ठोस, द्रव, गैस की को पढ़ा रहा है यानी कि उसके विषय में समझा रहा है एक शिक्षक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का प्रयोग लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी अध्यापक कार्बोहाइड्रेट के विषय में पढ़ाता है तो वो एग्जाम्पल किसके देता है? वो देगा एग्जाम्पल आपके आलू के, आपके चावल के, या फिर ब्रेड या शक्कर के। क्यों देते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, यानी कि वो ये सब चीज़ें क्या हैं, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुनेन नामक दवाई प्राप्त होती है। तो कुनेन कहाँ से प्राप्त होती है? नीलगिरी के पौधे से, एकोनाइट के पौधे से, सिंकोना के पौधे से, या फिर जलीय पौधे से। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और सी का मतलब है सिंकोना के पौधे से। जो कुनेन नामक दवाई है वो सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त करते हैं हम, और ये जो दवाई है वो किस के लिए यूज करते हैं? ज्वार नाशक के रूप में। तो ज्वार नाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन, प्रयोग व डैश विज्ञान की 3 विधियां हैं। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल, और तीसरा क्या है? सो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है निगमन, यानी कि अवलोकन, उसके बाद प्रयोग, और फिर निगमन, यानी कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाएगी, एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, और उसके बाद निगमन यानी कि किसी नियमों की स्थापना की जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि हमें मैचिंग करना है। सो फ्रेंड्स मैचिंग करना है तो उसमें क्या दिया हुआ है? सूची 1 में आपका चित्रकला दी गई है, और सूची 2 में वहाँ के स्थान दिए गए हैं यानी कि कौन सी चित्रकला किस स्थान से संबंधित है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि इसमें से आपने 1 या 2 का नाम भी पढ़ रखा होगा तो क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे, यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ फ्रेंड्स कि जो मधुबनी जो चित्रकला होती है वो बिहार से रिलेटेड होती है। तो मधुबनी यानी कि डी का क्या होगा? 4 होगा। तो डी का 4 किस किस में है? अभी यहाँ देखिए डी का 4 केवल 2 में है, तो इसका मतलब है लास्ट के 2 ऑप्शन तो हमारे हो गए ही नहीं, तो ये तो ऑटोमेटिकली हमारे लास्ट के 2 ऑप्शन कट जाते हैं। अभी हमारा हो सकता है ए या फिर हमारा बी। तो अभी हमें पता है कि वर्ली क्या है फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में है, तो वर्ली महाराष्ट्र में है, तो आप देख सकते हैं सी का 3rd किसका है,
तो सी का थर्ड है हमारा ऑप्शन नंबर बी का, तो इसलिए ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम मैच कर सकते हैं। और कलमकारी जो है वो कलमकारी जुड़ी हुई है आंध्र प्रदेश से, और आपका जो पिथौड़ा है वो जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश से, यानी कि पिथौड़ा मध्य प्रदेश, वर्ली महाराष्ट्र, मधुबनी बिहार, और कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में खाली स्थान दिया है, एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। सो फ्रेंड्स, इसके विषय में आपको पता होगा कि एक ग्रह है और ये क्या है, एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है, यानी कि इसके तरफ इस तरह की एक क्या है, वलय रिंग होती है, और ये कौन सा ग्रह है वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, ये इसके विषय में सभी जानते होंगे। तो इस तरह का जो कौन सा ग्रह होता है जिसके चारों ओर वलय होती है, रिंग होती है, तो वो होता है हमारा शनि ग्रह, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि शनि ग्रह के चारों ओर क्या होते हैं फ्रेंड, छोटे पत्थर, धूल या कणों से निर्मित क्या होता है, एक वलय रिंग बन जाता है, और इसका जो विस्तार है वो हजारों किलोमीटर तक होता है। तो इस प्रकार से आकाश में जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके इर्द गिर्द जो वलयों की जो संख्या है वो है 7, और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है फ्रेंड्स वो है टाइटन, और टाइटन सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है, ये भी हमें याद रखना है। सो फ्रेंड्स, एक सिंगल क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संगनन या फिर प्रांगण। सो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी साथ के साथ आंसर देते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, इससे आप अपनी तैयारी का जजमेंट ले सकते हैं। सो आप भी साथ के साथ कमेंट करते रहिएगा। और 22 नंबर का जैसा कि क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसमें बताना चाहूँगा इसका जो राइट एंड द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, परागण। यानी कि परागण क्रिया के द्वारा, यानी कि परागण में क्या होता है, इस क्रिया के द्वारा पौधे प्रजनन क्रिया संपन्न करते हैं, और परागण विभिन्न माध्यमों में, जैसा कि आप देख सकते हैं, जल के थ्रू, वायु के थ्रू, जीव के थ्रू या फिर जंतुओं के थ्रू होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। फॉरेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक डैश 0 डिग्री फॉरेनहाइट, यानी कि कितने डिग्री फॉरेनहाइट होता है। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप देखेंगे इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मतलब क्वथनांक हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, फॉरेन हाइट में। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ये, क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सी अपॉन 5 इजगल टू एफ माइनस 32/9। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें क्या निकालना है, फॉरेन हाइट निकालना है। तो यहाँ पर सी यानी कि कितना दिया है, 100, क्वथनांक अपॉन 5 इजगल टू एफ माइनस 32/ कितना आएगा, 9। सो फ्रेंड्स, अभी इसको हमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंपल वे में लिख देता हूं मैं फ्रेंड्स। तो आप यहां पर देखेंगे कि हमारा आएगा 180 इजगल टू आएगा एफ माइनस 32। तो या एफ इजगल टू क्या होगा, 180 प्लस 32, यानी कि कितना हुआ फ्रेंड्स, हमारा हुआ कितना, 212। कितना हुआ, 212। तो इस तरह से ये क्या आया, डिग्री फॉरेन हाइट में आया। तो राइट आंसर होगा 212, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, तो इस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं, तो इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी किसी पदार्थ में ऊष्मा का हम क्या करते हैं, संचालन करते हैं, यानी कि उसके एक एंड से दूसरे एंड तक यदि ऊष्मा आसानी से पहुंच जाती है तो उसे ऊष्मा का सुचालक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा का सुचालक। सो फ्रेंड्स, यहां पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। सो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रक्त का जो थक्का है
उसके बनने में हमारा जो यूज होता है विटामिन, वो होता है विटामिन के, और इसके कारण ही जो विटामिन विटामिन से थ्रोम्बोबिन नामक पदार्थ, यानी कि जो थ्रोम्बोबिन होता है ये एक पदार्थ होता है जिसका निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स रक्त को जमा, और ये ही क्या करता है, ये रक्त को जमा देता है। तो इस तरह से विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन के का जो कभी कभी फ्रेंड्स रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है, सो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार सभी विटामिन के रासायनिक नाम आप रिवाइज करके जाएंगे। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है नेप्थोक्विनोन। क्या है फ्रेंड्स? नेप्थोक्विनोन। और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलियन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? तो कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? सो फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, सोडियम क्लोराइड। और विलियन पाठ की यदि हम व्याख्या कर रहे हैं और शिक्षक को विलय के रूप में जो सोडियम क्लोराइड है वो लवण जो है वो लेना चाहिए। ये जल में घुलनशील होते हैं और साथ ही इन्हें पानी से आसवन विधि द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें याद रखनी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मनुष्य के हृदय में डैश कक्ष होते हैं, यानी कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनुष्य का जो हृदय है यानी कि उसमें कितने चैम्बर होते हैं। तो उसमें कितने होते हैं फ्रेंड्स? उसमें चार चैम्बर होते हैं, जिसमें आपका दो निलय होते हैं जिसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, और दो आलिंद होते हैं जिसको ओरिकल बोलते हैं। तो वास्तव में हृदय क्या है, जो हृदय की जो पेशियां होती है उससे बना हुआ होता है, और ये एक अनैच्छिक पेशी है। यानी कि मानव हृदय औसत में एक मिनट में 72 बार धड़कता है, और इसका जो औसत जो भार है वो 300 से 350 ग्राम होता है, ये भी हमें याद रखना है। सो फ्रेंड्स इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से याद रखनी है, और इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, चार, यानी कि कितने चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूध का पाश्चीकरण कैसे किया जाता है? सो पाश्चीकरण से मतलब ये है कि फ्रेंड्स एक तरह से प्रिजर्वेशन के लिए तैयार करना, यानी कि दूध को प्रिजर्वेशन के लिए तैयार करना। कैसे किया जाता है? तो इसमें आप देखेंगे इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो मैं पढ़ना चाहूँगा फ्रेंड्स। इसका मोस्ट सुटेबल आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, 71 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक, या 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करके, यानी कि ये हमारा क्या है, एक तरह से ये प्रोसीज है। तो इसमें प्रोसीजर है तो इसको हम फॉलो करेंगे, और उससे क्या होगा कि दूध का हम पाश्चीकरण कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर का, वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती है खास तौर पर देखी जा सकती है, किस में देखी जा सकती है? एक्स किरण द्वारा, गामा किरण द्वारा, बीटा किरण द्वारा, या फिर लास्ट का ऑप्शन है अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के द्वारा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मानव नेत्र के लिए अदृश्य जो होती है उन वस्तुओं को हम अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के द्वारा आसानी से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है। तो 2006 का क्या मूल उद्देश्य है? पहला है वनों का वर्गीकरण करना, दूसरा वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ावा देना, और तीसरा है राज्यों को अपने भूभाग में आए अभयारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना, और लास्ट का बचता है ऑप्शन प्रारंभिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों अधिकारों को मान्यता देना, यानी कि उनके समुदायों और उनके अधिकारों को मान्यता देना। सो फ्रेंड्स इस तरह से इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर बनेगा वो बनेगा फ्रेंड्स आपका लास्ट का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि प्रारंभिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों अधिकारों को मान्यता देना। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर आपका डी। अभी फ्रेंड्स इस तरह से हमने 30 क्वेश्चंस को, ईवीएस के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस को इस वीडियो में
डिस्कस किया है। और मैं फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में या उसमें किसी एक नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए मैं भरसक कोशिश करूँगा और मैं मेरी जो चैनल की जो सफलता है वो केवल और केवल आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि फ्रेंड्स यदि चैनल से आपको कुछ भी थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो वो चीज़ हमारे लिए एक प्रसन्नता का विषय बनती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर हमने यूपी टेट से रिलेटेड, सी टेट से रिलेटेड, अन्य राज्यों के टेट से रिलेटेड हमारी जो प्लेलिस्ट है वो तैयार हो चुकी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।